स्टूडेंट्स को किस किस तरह की क्वेरीज रहती हैं, किस किस तरह से वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हमने हमारे सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है और आज हम ये जो सेशन है वो कंडक्ट करने वाले हैं जापान की स्टडी वीज़ा के बारे में। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको मोटिवेट करने की कि क्या क्या आपको सही काम करने हैं और क्या क्या चीज़ें करके आपको आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज हम जो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो है जापान के बारे में और जापान के अंदर स्टडी के प्रोग्राम्स के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, जैसे कॉस्ट होती है, ड्यूरेशन होती है, इसमें प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और जापान जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, जापान से वापस आके क्या कर सकते हैं, और वीज़ा एप्लीकेशन करते समय फ़ेल क्यों हो जाते हैं, मतलब वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है, COE रिजेक्ट क्यों हो जाता है। आपने सुना होगा, आप लोग ऑलरेडी एडवांस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो कि बेसिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और उन्होंने अप्लाई किया है तो उनका COE रिजेक्ट हो गया है। तो ये सब चीज़ों को कवर करने के लिए, इन सब चीज़ों के आंसर्स करने के लिए आज का ये सेशन हमने कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ कि जापान में एडमिशन लेते समय जापान में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, ट्वेल्थ क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन है या नहीं है उसका उतना मैटर नहीं होता क्योंकि वो इवेंचुअली जॉब के लिए, जॉब से रिलेटेड उसमें काम आता है जब आप इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो जापान हो चाहे इंडिया हो। लेकिन स्टडी बेसिस के लिए, स्टडी के लिए आपको ट्वेल्थ क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब जो है प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी चीज़ें नई नई आ गई हैं, काफ़ी नई नई गाइडलाइंस आ गई हैं। जैसे कि पहले होता था कि 160 आवर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है जापनीज लैंग्वेज को या बेसिक जापनीज लैंग्वेज आपको आती है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो JLPT की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर स्कूल्स में, ऐसे भी स्कूल्स हैं जो कि नहीं, बिना JLPT के भी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो JLPT के साथ, मतलब JLPT क्लियर हो तभी वो उस स्टूडेंट को इनटेक के लिए ओके करते हैं, वरना वो रिजेक्ट ही कर देते हैं, मना ही कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्कूल्स। अब इसमें लेवल की बात करें तो N5 लेवल ही है जो कि अभी तक है, आगे जाके हो सकता है N4 N3 हो जाए, लेकिन एडवांस लैंग्वेज अगर आपको पढ़नी है तो जापान की एम्बेसी का ये रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, और अप्रूव्ड होनी चाहिए वो JLPT की तरफ से, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ी एडवांस बेसिक लैंग्वेज तो पढ़ते हैं लेकिन वो बेसिक लैंग्वेज उतनी नहीं होती जो कि जापान में लैंड करते ही आपको पहले दिन से ही काम करना आप शुरू कर दें या फिर जापान का कल्चर आपको समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट जो है वो अगेन मैं कहूँगा JLPT से ही रिलेटेड है। जैसे कि JLPT में N5 अगर क्लियर है, N4 क्लियर है, अगर N3 क्लियर है तो आपको पार्ट पेमेंट के भी ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं जो पार्ट पेमेंट्स लेते हैं, जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में 3 लाख या 2.5 लाख या 3.5 लाख रुपया इतना इन्वेस्ट करके जा सकते हैं तो वो आपको इनटेक के लिए ओके करते हैं। लेकिन अगर आपका JLPT नहीं क्लियर है तो फिर आपके पास वही स्कूल्स बचते हैं जो कि फुल 1 ईयर की पेमेंट पहले से ही लेते हैं, जो कि आपको लगभग 5 से 6 लाख तक का एक्सपेंस आपको स्टार्टिंग में करना पड़ता है। लेकिन टोटल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो सबकी बराबर ही है, चाहे आप पार्ट पेमेंट दें चाहे आप फुल पेमेंट दें, वो कॉस्ट लगभग बराबर ही है, वो 5 से 6 लाख के बीच में आपको पड़ती ही है, ठीक है। इवेंचुअली आपको ही देना है वो पैसा, पहले दे रहे हैं बाद में दे रहे हैं, बस इतना सा ही फ़र्क होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। पार्ट टाइम जॉब्स देखिए फिर से आप मतलब आराम से समझ सकते हैं कि N3 क्लियर है, N4 क्लियर है तो पार्ट टाइम जॉब्स मिलना कोई भी मुश्किल बात नहीं होती, बहुत इजीली मिल जाती है। लेकिन अगर N5 क्लियर है या फिर N5 भी क्लियर नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 महीना लगभग लग सकता है। जॉब्स भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि कुछ जॉब्स होती हैं जो कि जिनमें जापनीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ जॉब्स होती हैं जिसमें सिर्फ हाथों पैरों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जॉब्स जो है वो स्टूडेंट्स पहले लेते हैं, धीरे धीरे जापनीज लैंग्वेज उनको आती है जैसे 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद, और उसके बाद फिर वो हायर लेवल की जॉब्स को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब्स लेना इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग के जैसे 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपको स्कूल्स ही गाइड करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, वो आपको मिल जाती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप उससे कितना कमा सकते हैं, अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊँ तो ये अराउंड 70,000 से 80,000 के आता है अंदर पर मंथ का, ठीक है। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, आपका एक्सपेंस भी होगा रहने का, खाने का, ट्रैवल करने का, तो ये ऑन एन एवरेज अगर हम देखिए लेवल्सली अगर हम अपना खाना पीना करते हैं तो लगभग इंडियन रुपीज़ में आता है लेवल्सली, मतलब 40,000-50,000 भी आप खर्च कर सकते हैं उसमें से। ऑन एन एवरेज अगर बात करें कि एक स्टूडेंट के हिसाब से नॉर्मली नॉर्मल खाने पीने की बात करें तो 30,000-25,000-20,000 तक भी स्टूडेंट इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं रहने की, तो ऑन एन एवरेज 18,000, 20,000, 15,000 इस तरह से हॉस्टल का एक्सपेंस होता है। सब कुछ मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ, येन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। और इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है आपको, लैंग्वेज जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है आपके लैंग्वेज का जो लेवल है। जैसे अगर किसी का N5 है तो एक साल के अंदर ऑन एन एवरेज N3 N2 तक वो पहुंच सकते हैं, ठीक है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ऑनेस्टली पढ़ाई करते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली का क्या मतलब है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जाते फिर जॉब्स के पीछे इतना ज़्यादा पढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो दिन में भी रात में भी अलग अलग तरह से छुप छुप के जॉब्स पकड़ लेते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं वो, और डांट हमें पड़ती है स्कूल से। तो वो चीज़ हम इसलिए डिस्करेज करते हैं कि आपके लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। आपके लिए क्यों बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो तभी आती है जब आप पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि भाई बेसिक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगर एडवांस की बात करें, एडवांस में एडवांस आपको आता है N2 N1 तक का आता है, आप जापान में काम कर रहे हैं तो बात ठीक है, तो आपके जैसे परमानेंट जॉब है तो वो लैंग्वेज उसके हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि वो आपसे एडवांस लैंग्वेज में बात करते हैं, आप भी एडवांस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिक लैंग्वेज है आपके पास और आप सिर्फ जॉब 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 कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लैंग्वेज का वो नहीं है, तो फिर जापान में रहने का फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। जापान आप आए इतनी मुश्किल से, इतना एक्सपेंस करके, इतना सारा मतलब प्रोसेस करके, 6 महीने लगते हैं पूरे प्रोसेस में, ROS, POS, ट्रांसलेशन, ID नंबर जनरेशन, हज़ारों चीज़ें होती हैं उसके अंदर, सब करने के बाद आ रहे हो वही आप लेबर का काम कर रहे हो वहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे मतलब पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 50% अपना फोकस पढ़ाई पे रखें, 50% जॉब पर रखें, बैलेंस बना के चलें। पैसा तो कमाना आपको है ही, एक साल की अगर आप स्टडी करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे आपके करियर प्रोसेस बन जाते हैं, सिर्फ जापान में ही नहीं, इंडिया में भी, इवन यूरोप या US जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका हायर लेवल है जापानीज लैंग्वेज का, ठीक है। और आप पूछिए कोई क्वेश्चन, आपको अगर पूछना हो तो, बहुत सारी बातें हैं बताने की, आई होप आपके अंदर बड़े सारे क्वेश्चन होंगे। कॉलेज का और पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ पे, तो टाइम बैलेंस हो जाता है, पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाता, नहीं मिल पाता? हाँ, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम बैलेंस जो है होता है वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में दिखते हैं, अच्छा पार्ट टाइम जॉब, ओ माय गॉड मैं तो 2 कर सकता हूँ, मैं तो 3 कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद वो 3 के बाद एक छोड़ के वापस स्कूल आते हैं, फिर स्कूल छोड़ के वापस जॉब में जाते हैं, तो जॉब वाले भी कहते हैं आप कभी छोड़ते हो कभी पकड़ लेते हो जॉब, स्कूल वाले कहते हैं कभी आप आते हो कभी आप नहीं आते हो, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि टाइम का बैलेंस आप शुरू से ही अगर पेशेंस रख के चलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो पहले दिन आप ओह ये भी इतना अच्छा है, ये भी इतना सस्ता है, ये भी है मैं ले लेता हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने देखा ही नहीं आज तक, मैं यूज़ करके देखूंगा, तो आपका एक्सपेंस हो जाता बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को बैलेंस बना के चलते हो कि नहीं मैं सब जगह स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, नोट कर लेता हूँ, और जापानीज अपने फ्रेंड से पूछता हूँ या फिर अपने टीचर से पूछता हूँ कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी नहीं रहेगी, तो ये इसको कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस बनाना जो है वो स्टूडेंट के ऊपर ही है, हमारी पूरी कोशिश रहती है जापान जाने से पहले हम पूरा सिखा के भेजते हैं कि आप इस तरह से यहाँ जा जाके ये काम कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन स्टिल वहाँ जाके लाइफ जैसे अचानक एकदम कल्चरल शॉक लगता है, लाइफ बदल जाती है एकदम, तो स्टूडेंट उस बैलेंस को नहीं बना पाते हैं। तो मेरी पूरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप जैसे जापान जा रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से पूछ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जाएं, और जितनी भी आप स्टडी जापान के कल्चर के बारे में कर सकते हैं वो करके जाएं। सर, जो भी आपने बैलेंस करने वाली बात कही है, मतलब जैसे नॉर्मल हम कितना टाइम जॉब कर सकते हैं कि हमारी पढ़ाई को भी कोई इफेक्ट ना हो, लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स, जिससे कि हम इतना भी टाइम पढ़ाई को दे सके और जापान घूम के अपना लैंग्वेज को थोड़ा इंक्रीज कर सके? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये भी मैं आपको बताना चाहता था, मैं भूल गया था। देखिए ऑन एन एवरेज 4 घंटे की जॉब पर डे का अगर आप 28 घंटे को डिवाइड करें 7 दिन से, तो आपका 4 घंटे का एक वो निकलता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा है मैं कहूँगा, ठीक है। आप बाद में ये कर सकते हैं, शुरू के 1 महीना आप 2 घंटा 3 घंटा पर डे को अगर दें जॉब के लिए तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी यूजुअली 4 घंटे की तो क्लासेस रहेंगी पर डे की, और 4 घंटे आपकी जॉब हो गई तो आपके 8 घंटे एक दिन के निकल गए, तो बाकी आपको जैसे रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, थोड़ा होमवर्क भी करना है, थोड़ा अपना ट्रैवल करके जापानीज लैंग्वेज इकिता निहोंगो जिसको कहते हैं वो भी सीखनी है, ठीक है, फ्रेंड्स बनाने हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप 2 घंटे 3 घंटे लेके चलते हैं उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपको एक बारी आप अपने स्केल में सेट हो गए, आप कंफर्टेबल हो गए कि हाँ मेरा ये सिस्टम सेट हो गया रोज का, तो मैं अपनी जॉब बढ़ा सकता हूँ आराम से, क्लासेस तो उतनी रहेंगी, क्लासेस तो बढ़ेंगी नहीं। मैं क्यों क्लासेस के ऊपर प्रायोरिटी देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ना जाके लगता नहीं है कि क्लासेस में क्या है, वही जापानीज तो बाहर बोली जा रही है, वही जापानीज में अंदर सीख रहा हूँ, उसमें फ़र्क क्या है,
स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्लासेस को नहीं छोड़ते, प्रॉपरली उसको अटेंड करते हैं, आप चाहे तो डेटा को देख सकते हैं, जिन लोगों ने प्रॉपरली कोर्स फिनिश करके अटेंड करा, आज वो बहुत बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी जॉब्स, क्योंकि उनको बाद में पता चलता है कि स्कूल ने भी एक रिकमेंडेशन लेटर दिया है एक साल के एंड में कि इनकी एब्सेंस भी नहीं है, इनकी बिहेवियर भी अच्छा है, तो कंपनी ने सिर्फ वो लेटर देख के जॉब दिया है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बाद में पता चलती हैं। तो वो पैसा जो आपने अरुबाई तो से कमाया, उसको अगर आप परमानेंट जॉब से कंपेयर करें तो उसके आगे कुछ भी नहीं होता, वो बाद में पता चलता है। इसलिए ये चीज़ें छुपी हुई जो चीज़ें मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि क्यों आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर कम फोकस करें, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब्स बाद में आप जब आपका मैं वही जैसे भी बताया कि स्केल सेट हो गए तो आप बढ़ा सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपका आप बॉडीली मेंटली फिजिकली एकदम कंफर्टेबल हैं उसको चलाने में एकदम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अच्छे अच्छे टाइम लगाओ, अच्छा टाइम लगाओ मतलब आरोबाइट में, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जैसे जापान जाने से पहले इंटरव्यू होता है, जैसे मैंने N4 कर लिया, मैं N3 पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इंटरव्यू में स्पीकिंग मेरी अच्छी नहीं है तो मेरे को N5 में डाल देंगे, तो फिर मैं कैसे करूँगा एक साल में? क्यों मेरे को तो दोबारा ही मेरे को वो पढ़ा रहे हैं N5 N4, तो इसके लिए क्या रहेगा? ठीक, देखिए इंटरव्यू जो होता है वो वीज़ा लगने से पहले होता है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो है जापान जाके जो मेरा टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें मेरा लेवल जो टेस्टिंग होगा उसका किस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ कि लेवल टेस्टिंग तीन तरह का होता है। पहला आपका काइवा का टेस्ट होता है, दूसरा आपका JLPT जैसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तीसरा एक तरह का वाइवा होता है जिसमें आपसे प्रायोरिटीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज सेट करके बताया जाता है कि आपकी ये लैंग्वेज इतना लेवल है और इसके आगे का आपको लेवल मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने N4 क्लियर किया हुआ है तो आपने जो टेस्ट दिया उसमें भी बिल्कुल आपका N4 लेवल का ही रिजल्ट आया है, तो आपको N4 से आगे जाने वाला लेवल मिलेगा, ठीक है। N4 को ही दोबारा पढ़ने का लेवल नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जापान की जो प्रोसेसिंग होती है, मैंने बताया ना 4-5 महीने लग जाते हैं, तो तब तक आप अपना और लेवल बढ़ा के उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पहली बात कि आगे का लेवल मिलेगा, दूसरी बात कि जापानीज़ लैंग्वेज जो आपको पढ़ाने के लिए जो स्कूल्स हैं, जो उनका करिकुलम है, वो भी लोग ये बात जानते हैं कि जापान में स्टूडेंट जो है वो तेज़ी से जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं। इंडिया में उतना सीखते नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में थोड़ा सा कोतबा सीखते हो, थोड़ा ग्रामर सीखते हो, थोड़ा मतलब बुम्पो वगैरह सीखते हो, चोकाई सुनते हो, लेकिन बाहर जाके वापस वही हिंदी में बात हो रही है, ऑलरेडी एक दिन के अंदर वो भूल ही जाते हैं। अभी जैसे आज ही आपकी जो क्लास हुई है वो आई एम श्योर कल तक परसों तक आप पूरा भूल ही जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ जापान में नहीं होती है, वो जानते हैं वो चीज़। आप कोई भी आपने कोतबा सीखी है जैसे ताइहेन दने तोंदे मनाई देस, तो ये चीज़ें रोज़ वहाँ पर बह रही हैं, वो चल रही हैं। जो भी आप जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हो, कहीं पर भी जॉब लेने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो वो आपसे इन्हीं चीज़ों में बात करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज लेवल जो है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होता है जापान में, ठीक है। और ये चीज़ इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछो जो कि ऑलरेडी जापान में काम कर रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो तो आपको और अच्छा इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। गंबाते को सही। हाँ जी, और कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। तो जैसे N3 अभी पढ़ रहे हैं, N3 क्लियर हो जाएगा तो घर वाले तो कह रहे हैं N3 क्लियर हो जाएगा तो यहीं जॉब कर लेना, तो फिर जापान जाके फ़ायदा क्या है? लेना देना ना हो करके साइकोलॉजी का लेना देना है कि आपके तो जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब आप एडल्ट हो गए मेरे हिसाब से, तो एडल्ट हो गए हैं, तो इसके लिए मतलब ये मेरे से पूछने की बजाय अपना अपने आप से ही पूछिए कि आपको ना करियर किस तरह से बनाना है। इंडिया में रहने में भी कोई बुराई नहीं है, जापान में रहने में कोई बुराई नहीं है, बुरा करियर कोई कुछ भी नहीं होता, कोई भी काम बुरा नहीं होता। बात यह है कि आप किस काम में अच्छा कर पाते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है। आप जो देखिए, सिबलिंग्स भी ना बराबर नहीं होते, भाई भाई भी बराबर नहीं होते, तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को अपने आप पहचानो और अपने अभी तक के पास्ट को भी कैलकुलेट करो कि मैंने अभी तक कितनी परफॉर्मेंस करी है, ठीक है, आगे जाके मेरा मेहनत करने का मूड है या नहीं है, क्योंकि जापान में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से, जो भी स्टूडेंट इसको अच्छा अच्छा मान रहे हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत किस चीज़ की? फिजिकल मेहनत, जैसे वो फटाफट टाइम हो गया वहाँ जाना है, फटाफट टाइम हो गया यहाँ आना है, अरे यार ये भी काम रह गया, वो फॉर्म भरना रह गया, ये काम रह गया, अरे ट्रैवल करना है तो ट्रैवल भी मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी फोटोज़ खींचनी है, मुझे फेसबुक पर डालना है, दोस्तों को फ़ोन करके बताना है देखो देखो मैं जापान में हूँ। इसको तानोशी भी कुछ लोग तानोशी मानते हैं, मतलब बहुत एंजॉयबल मानते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रेसफुल भी मान सकते हैं। तो अपने आपको पहले पहचानिए। मम्मी पापा की बात सुनना अच्छी बात है, लेकिन उनकी चीज़ों को भी ना मतलब एकदम से किसी ने कुछ बोला तो उसको एकदम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको भी फिल्टर करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मिक्स एंड मैच है सब कुछ, ठीक है। आपका करियर आपके हाथ में है,
आपके पास अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन करियर तो आपको ही बनाना है, ठीक है। इसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी, और हिम्मत रखने के लिए ना हिंदी फिल्म वाली हिम्मत नहीं रखनी है कि मैं ये कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, नहीं, आपको कैलकुलेट करना है, हाँ, रिस्क कैलकुलेट करना है, फ्यूचर कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट भी है, कमाई भी है, वो सब बैलेंस क्या आप बना पाएंगे? वो स्टूडेंट्स जो एक दिन दो दिन बाद ही अपना प्लान चेंज कर देते हैं, वो इस प्लान को ना जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान है, ये लॉन्ग टर्म करियर है, ये एक साल दो साल की बात नहीं है, ये कम से कम 5 साल 10 साल आगे आने वाली सारी लाइफ की बात है, ठीक है। हाँ जी पूछिए आप दोनों ही पहले। सेंसी जापान में पढ़ने का कोई हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने एक साल वहाँ से पढ़ा है, उसका कोई सर्टिफिकेट? हाँ जी हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ऑब्वियसली, जापान की यूनिवर्सिटीज से, स्कूल से, कोई भी आप करिकुलम को फॉलो करके उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट मिलेगा, ये प्रॉपर एक कोर्स है, ठीक है। और क्या जवाब दो? ठीक है, तो आई होप और भी क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, उनको प्लीज़ नोट डाउन करके आइएगा और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।